शेरशाह देखी है, भले ही वो शाहरुख खान हो या आलिया भट्ट हो, हर आम और खास जैसे सिद्धार्थ को कह रहा हो ये दिल मांगे मोर। सिद्धार्थ वेलकम टू जी बिजनेस, कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म की सक्सेस के बाद? ये पूछना थोड़ा सा मुझे वो बहुत ही क्लीशे लग रहा है, लेकिन हर कोई यही सिद्धार्थ से अब एक्सपेक्ट कर रहा है, दिल मांगे मोर। अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी फीलिंग है जब आपको ऐसा रिस्पांस मिलता है, अलग अलग, यू नो, चाहे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, चाहे वो आपके कॉलीग्स हो, आपके सीनियर एक्टर्स हो, या आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई थिंक स्पेशली इस पिक्चर में लोगों को कुछ नया दिख रहा है परफॉर्मेंस में, एंड मेरे लिए और स्पेशल होता है बिकॉज ये कहानी इतनी स्पेशल है। तो जब और उनको कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी समझ आती है, उनका किरदार समझ आता है मेरे जरिए से, तो बड़ी खुशी हो रही है। एंड दिस इज द बेस्ट फीलिंग एनी क्रिएटिव एक्टर कुड हैव। जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं बतौर एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, आप यही चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके काम को पसंद करें, उसको समझें। और मुझे इस किस्म का प्यार, यू नो, इतना ओवरवेलमिंग लग रहा है। इतने मैसेजेस और इतने लोग जेन्युइन मैसेजेस आपको, अब हमने इतना काम कर लिया है कि पता चलता है कि लोगों को कब पिक्चर पसंद आ रही है और कब शायद नहीं। तो बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये मेरे लिए इतनी अहम और इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी प्रेशियस चीज़ है। यू नो, ये उन सबसे बेटर है। जैसे आप कोई कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ दे लें, कोई फाइनेंशियल गेन हो, ये उन सब फीलिंग से आई थिंक ज़्यादा प्रेशियस है। और ये मुझे मोटिवेट करता है आगे, यू नो, और भी बेहतर काम करने के लिए। बट इस फिल्म ने आपके लिए एक बार सेट कर दी है, एक वो लव बॉय वाली जो इमेज थी, एक मोनोटोनी तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक ऐसी हिट दी है जिसने स्टैंडर्ड्स रेज कर दिए अब आपके लिए एक्सपेक्टेशंस के भी। जी एब्सोल्युटली। और ये चाहे ऑडियंस की तरफ से हो या ना हो, मेरी तरफ से डेफिनेटली आ गया है एक मोटिवेटिंग फैक्टर कि यार अब यू नो ये, क्योंकि अब मुझे समझ आ रही है कि किस किस्म के प्यार के लिए मैं काम कर रहा हूँ, किस किस्म कोई चीज से आपको मोटिवेशन मिलती है, वो इस एक्सेप्टेंस फॉर योर परफॉर्मेंस, इस अप्रिसिएशन फॉर योर परफॉर्मेंस, इस किस्म का प्यार आपकी परफॉर्मेंस के लिए। तो डेफिनेटली एक बार सेट हुआ और उसको, इस चैलेंज को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बिकॉज आई थिंक जितना एक एक्टर करे डाले उतना ही वापस मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यू नो इन द फ्यूचर फिल्म्स दैट दे विल फील द सेम काइंड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। और आपने बोला आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको जेन्युइन लग रहे हैं, इतने साल बॉलीवुड में बिताने के बाद अब आपको समझ में आ गया कौन सा जेन्युइन है या कौन सी फेक अप्रिसिएशन है। कोई ऐसा मैसेज जिसने दिल छू लिया हो, एक हार्ट टचिंग मैसेज, क्योंकि कहानी बहुत इमोशनल है और बहुत सी लोगों की आंखों में आंसू भी आए फिल्म देखकर। जी, सबसे बड़ा मैं मैसेज कहूंगा वो कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से ही शुरू होती है। वो एक ऐसा रिव्यू था जिससे मैं काफी डरा हुआ था, क्योंकि उनके लिए कमर्शियल पिक्चर नहीं है ये, कोई ऐसे मामूली आम कोई नहीं है, पुरानी पिक्चर नहीं है। उनके बेटे की कहानी है, उनके भाई की कहानी है। उनके भाई मुझे कहते हैं, उनके जुड़वा भाई जब मुझे अगर कहते हैं कि यू नो, मैंने कभी विकी को बैटल फील्ड पे नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको ऑफ द फील्ड देखा है, और अब जब मैं सोचता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे यार तुम नजर आते हो सिर्फ उस पहाड़ पे लड़ते हुए, मुझे विकी नहीं नजर आते हैं। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हारे जरिए ये पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल, यू नो, जब उनके पेरेंट्स स्क्रीनिंग से बाहर निकलते हैं। दिल्ली में हमने स्क्रीनिंग करी थी और उनकी उनकी माता जी कहती हैं कि शी वॉज ऑब्वियसली इन टीयर्स, कि यू नो दीज आर टीयर्स ऑफ प्राइड, आई फील सो प्राउड टू बी विक्रम्स मदर टूडे, एंड यू ऑल यू पीपल हैव शोन, योर टीम हैज शोन व्हाट माई सन डाइड फॉर, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड दे वर सेइंग दैट, सो इट्स सो जेन्युइन। मतलब हम भी, आई थिंक ये मैं कहूँगा, वी आर वेरी लकी। और मैं भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं सबसे पहले इस पिक्चर में सिलसिले में अटैच हुआ था, तो आई फील आई एम वेरी लकी कि जब इतने साल लग गए और जो फाइनल टीम आई हमारी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर की, सबकी इंटेंशन यही थी, सबकी इंटेंशन एक ही मैच करी, वेवलेंथ जो हम कहते हैं मैच करी, कि यार ये पिक्चर स्पेशल है, इनकी इनकी लाइफ स्टोरी कितनी स्पेशल है, और उसके साथ हमें जस्टिस करना ही है कि लोगों को वो प्यार और रिस्पेक्ट दिखे जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दी।
तो इट फील्स ग्रेट दैट ऐसा जो प्यारा रिस्पांस मिलता है उनकी फैमिली से। और सिद्धार्थ, क्योंकि फिल्म एक वॉर हीरो के ऊपर है, एक परमवीर चक्र अवार्डी के ऊपर है, कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ जब आपने जी, कुछ शूट करते वक्त गूज बम्स या कुछ ऐसी फीलिंग आई जिसे फील करके आपको लगा कि लोग इससे भी गुजरते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, लाइक कुछ गूज बम्स, कुछ डर, कुछ ऐसा एहसास? जी बहुत बहुत ऐसे किस्से थे जहां पे आपको एहसास होता है कि ये आसान जॉब तो छोड़ो, मतलब ये ड्यूटी ही करना एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी फॉर्म में या फोर्स में सर्व करें तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने पिक्चर देखी है तो जो शेलिंग होती है प्री क्लाइमैक्स में, जहां पे जस्सी सर की डेथ होती है, वो शेलिंग का जब जब हमने लोगों से इंटरव्यूज दिए और पूछा कि यार कैसा माहौल होता है, वो सोचना कि आप ऐसे पहाड़ों पे डिप्लॉयड हैं एज अ बटालियन, एज अ यूनिट, आप रिजर्व फोर्स हैं, अब अभी तक आप तैयार नहीं है बैटल फील्ड के लिए, आपके सिर्फ टेंट्स लगे हुए हैं और आप आपके एम्यूनेशन सारी चीजें हैं, जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, आप प्रिपेयर्ड नहीं है। और उस टाइम पे जब शेलिंग होती है, और शेलिंग का क्या होता है बैटल फील्ड में, ऐसी वॉर के नॉट बी शुगर कोटेड, इट्स समथिंग जो हम नहीं कह रहे कि कुछ सही कोई चीज जो सही है, क्योंकि और ये मुझे एहसास हुआ इस फिल्मिंग के दौरान जब हम वो शेलिंग का शूटिंग कर रहे थे कि आप भाग रहे हैं एक मैदान में, पहाड़ों में, जहां पे इतनी गोला बारूदी बरस रही है ऊपर से आपको पकड़ने के लिए, आप नहीं पता कर सकते कि अगली अगली मिसाइल कहाँ लगेगी, अगली गोला कहाँ लगेगा। आप भाग भी रहे हैं तो आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि वो जहां आप जा रहे हैं वहां ना हो, बट दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस उस सीन में शेलिंग के दौरान बहुत मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए सोचकर कि अगर ये असल में होता तो कैसा महसूस, जो कि हुआ हमारे 500 से ज्यादा सैनिक जो शहीद हुए उनके साथ ये असली में हुआ कि वो जब पहाड़ों में भाग रहे थे, शेलिंग होती है, आपको नहीं पता कि आपको अगला शेल कहाँ गिरने वाला है, अगला बम कहाँ गिरेगा, तो आप उस स्थिति में आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर वाला आपका साथ दे और आप भाग रहे हैं, और उसके बावजूद रिकवर करने के बाद आप फिर डट के दो दिन में जाते हैं वहां लड़ने के लिए, ना कि आपको उसमें समय मिलता है रिकवर करने का। तो आई थिंक वो सीक्वेंस इज समथिंग जो मेरा रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी के लिए या हमारे सारे आर्म फोर्सेस के लिए हजार गुना बढ़ गया, क्योंकि आप और मैं सिर्फ ये सुन सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मैं एज एन एक्टर ये दर्शा सकता हूँ आपको, बट असली में तो उन्होंने ही झेला है, उन्होंने ही किया है, एंड वो बहुत ही कमेंडेबल बात। तो सिद्धार्थ, इस फिल्म से ऑब्वियसली कई लोगों को लगता है कि अगर हम वॉर फिल्म्स जब बॉलीवुड में बनती हैं तो कुछ ओवर द टॉप बनती है, पेट्रियोटिज्म कुछ ओवर द टॉप दिखाया जाता है, कितना रियलिस्टिक आप बोलेंगे या फिर एकदम रियल, या फिर बॉलीवुड का वो जो मसाला जिसे हम बोल सकते हैं वो ऐड किया गया इस फिल्म में? जी पिक्चर तकरीबन 80-90% एब्सोल्युटली फैक्चुअल है, ये चीजें जो हम दर्शा रहे हैं, ये जो डायलॉग्स हम दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी की कहानी 25 साल की जिंदगी सिर्फ 2 घंटे में दिखाते हैं तो आप कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं नरेशन की, आप कट्स करते हैं, आप उन कुछ चीजों को छोटा करते हो, बट जो भी आप देख रहे हैं वो तकरीबन 80-90% एकदम सही है। और उसी सुर को रखते हुए हम नहीं चाहते थे कि हम किसी पुरानी हिंदी पिक्चर को एम्यूलेट करें या उनके जैसा कुछ करें, हमें पता था कि हम एक हमारे पास एक ऐसी जांबाज सोल्जर की कहानी है जो कि उनकी असल जिंदगी में ही सारे इमोशंस है, तो हमें उसको ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो बतौर चाहे वो एक्टर हो या बतौर एक टीम हो, राइटर डायरेक्टर, हमने वही कोशिश करी कि इसका एक ऐसा सुर पकड़े कि आपको ये कभी एहसास ना हो कि यार ये असली कहानी नहीं है, ये रियल नहीं है। तो हमारी कोशिश वही रही है, और अभी जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, एक फ्रेश टेक लग रहा है वॉर फिल्म में, एक पर्सनल टेक लग रहा है वॉर फिल्म में, और लोगों को इस पिक्चर का एंड जानते हुए भी कि कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद होते हैं, पर जिस वक्त पे वो शहीद होते हैं लोगों को लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं और उनको उनके सैक्रिफाइस का एहसास हो रहा है,
तो वो मैं कहूंगा एज अ टीम हम बहुत ही खुश हैं, और एक कॉन्शियस अटेम्प्ट था कि उसको रियल रखने का। और सिद्धार्थ एक रिश्ता बन गया कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली के साथ, अब लाइफ टाइम एक। I'm so sorry to interrupt, but we'll have जी to बिल्कुल I'll be wrapping up with the I'll be repeating the question and then I'll wrap up. तो सिद्धार्थ एक लाइफ टाइम के लिए एक वो इमोशनल बॉन्ड एक रिश्ता बन गया यू नो विक्रम बत्रा की फैमिली के साथ, कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली के साथ। रियल लाइफ ही सही लेकिन आपने एक बेटे का किरदार निभाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे इतने सालों में मैं काफी बार मिल चुका हूँ, और अब पिक्चर के सिलसिले में हो या उनको फिलहाल अभी रिलीज के टाइम पे एक कनेक्शन महसूस होता है विशाल बत्रा जी के साथ, जो उनके जुड़े भाई हैं। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि उनको हमारा जो ये पिक्चर शेरशाह उनके बेटे और उनके भाई पे जो दर्शाई है हमने पसंद आ रही है। एंड ऑफ कोर्स आई लव दे अर्न माय रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड दे विल बी दैट यू नो फॉर व्हेनेवर दे नीड मी एनीथिंग। और सिद्धार्थ आपने बहुत सी फिल्में की है लेकिन इस फिल्म के साथ एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नॉच ऊपर चला गया है, एंड आई होप आपको ऐसे ही चैलेंजिंग रोल आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आई लिव अप टू इट इन द फ्यूचर, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। थैंक यू आमीन, थैंक यू।